हेलो एवरीबॉडी, आप सभी हैं अभी एवरीडे स्माइल चैनल पर। मैं सुधा सिंह आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं एकदम अलग तरीके से सैंडविच बनाने जा रही हूँ, तो आइए इसके बनाने की प्रक्रिया को देखते हैं। सैंडविच बनाने के लिए मैंने लिया है 2 स्लाइस, मैंने यहाँ लिया है ब्रेड की, थोड़ी सी गाजर कद्दूकस की हुई, थोड़ी सी धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, प्याज भी बारीक कटी हुई, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च, थोड़ी सी 2 अंडा। इधर मैंने तवा गरम होने दे दिया है। ब्रेड को मैं इसकी मदद से काट लेती हूँ, इस तरह से बीच में रख के देख लेंगे। इस तरह से मैंने ब्रेड को कट कर लिया है। तवा गरम हो गया है, इसमें डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच तेल और इसे मिक्स कर देते हैं पूरे तवे से। अब इस पे इस तरह से ब्रेड के टुकड़े को रख देती हूँ और अंडा को तोड़कर इस तरह से इस गोला में डाल देंगे। इस तरह से इसको मिक्स कर देंगे और साथ ही साथ डाल देंगे इसमें कट किए हुए प्याज, गाजर, हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा काला नमक। गोल मिर्च और सादा नमक थोड़ा सा, और इस स्लाइस को जिसे मैंने गोल कट किया था उसको इसके ऊपर से डाल देंगे और इसकी मदद से इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे इस तरह से, और इसके ऊपर से भी थोड़ा सा प्याज, धनिया पत्ती, गाजर, और अब इसे पलट देते हैं। इस तरह से अब इस साइड से भी थोड़ा सा प्याज, गाजर, हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च थोड़ी सी, धनिया पत्ती, इस तरह से एकदम स्वादिष्ट सैंडविच बनकर तैयार हो जाएंगे। सैंडविच तैयार हो गया, इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरह से। अब दूसरी बार भी इसी तरह से बना लेते हैं। यह देखिए चटपटा नाश्ता हमारा फटाफट 2 से 3 मिनट में तैयार हो गया है, और इस तरह से बनाएंगे ब्रेड का सैंडविच एकदम नए तरीके से, तो बच्चों को भी पसंद आएगी और बड़ों को भी। सैंडविच बनकर तैयार है। अगर मेरे बनाने की विधि आप लोगों को पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ बेल वाला बटन भी दबा दें और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। ओके, बाय।